An Academy. Let's crack it. An Academy. Let's crack it. An Academy. Let's crack it. वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे बच्चे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। माइसेल्फ अभिषेक गुप्ता और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ फ्लूड मैकेनिक्स। और फ्लूड मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन अ सरफेसेस। करेक्ट है? तो सभी कनेक्ट हो जाएंगे, सभी शेयर करेंगे, इस सेशन को शेयर करेंगे बेटा, और देखेंगे हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट। डेप्थ नॉलेज आप लोग को दे रहा हूँ बेटा, और इसे आप डेली बेसिस पर अपने नोटबुक पर नोट कीजिए दोस्त। अंश पंडित, डियर सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग विक्की, गुड इवनिंग अमीर, गुड इवनिंग बेटा, भक्ति, गुड इवनिंग, हेलो सभी को, हेलो, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सभी को, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कुछ बातें हम कर लेते हैं फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये जो है पार्ट थ्री है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस के पार्ट थ्री की बात हो रही है। 1-2 मैंने बहुत अच्छे से कराया, पार्ट थ्री देखेंगे क्वेश्चन कैसे होता है। कुछ बातें करते हैं, पहले हम ये जो है टॉपर जो है हमारे ESC के, इसे सबसे पहले कांग्रेचुलेशन बोलेंगे बेटा सभी लोग। हमारे अन अकेडमिक लर्निंग ऐप पर आप देख सकते हैं, ये हमारे टॉपर्स हैं ESC 2022 के, ओके, मैकेनिकल इंजीनियर के, ARI रैंक 5, 11, 13, 20 और 32। ये सारे टॉपर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे टॉपर है, सभी को कांग्रेचुलेशन। करेक्ट है? नाउ अगर मैं बात करूं प्रतिज्ञा बैच की बात करूं, तो आपका जो है 2023 आने वाला न्यू ईयर की बात करेंगे, 23% आप लोग को सारे जो है जितने भी आपके हैं उसमें 23% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। और आपको बताते यूज करना होगा GA1111 को। ये जो प्रतिज्ञा बैच है बेटा, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहूंगा। ये प्रतिज्ञा बैच हर साल आपके रैंक लाते हैं। क्या करते हैं बेटा? रैंक ले आते हैं, तो इसे ज्वाइन करेंगे और गेट 2024 के लिए है। इस सारे चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। दिसंबर 15 से ये बैच लॉन्च हो चुकी है और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है सॉम की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, बाय डीप्रेस चंद्राकर सर। ये हमारी मैकेनिकल की टीम है, ये सारे लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। करेक्ट है? अगर आप इसे परचेज करना चाहेंगे, 15 मंथ की बात करूंगा, तो 23% ऑफ दिया जा रहा है, क्योंकि 2023 आने वाला है दोस्त, है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे 15 मंथ की, बात करेंगे 4,705 रुपीज ओनली, एंड 30 मंथ की बात करेंगे तो 6,460 रुपीज। कोड यूज करना है हमको GA1111 कोड यूज करना है। करेक्ट है? यस। लैंग्वेज होगा इंग्लिश होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश की बात होगी। नाउ अगर मैं बात करूं
ये देखो बेटा सेल्फ स्टडी वाली बातें वो करते हैं यहाँ पर, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं और 23-24 पर जाना चाहते हैं उसके लिए सेल्फ स्टडी कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस आपको देखने को मिलेगा। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर बात करूँ टोटल नंबर ऑफ आवर्स की बात करूँ तो आप देखें 1360 घंटा आप पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियर के, ठीक है। अगर ये 15 मंथ के लिए आप प्राइस इसको परचेज करना चाहते हैं तो 3421 रुपीस ओनली। अगर मैं 30 मंथ की बात करूंगा दोस्त तो यहां मिलेगा 4227 रुपीस। कोड क्या यूज करना है याद रखना है, GA1111 कोड यूज करना है। ओके नाउ सारे चीज देख लीजिए फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे से, करेक्ट है। अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं, उन लोग के लिए भी सेल्फ स्टडी कोर्सेज देख सकते हैं। गेट के लिए 15 मंथ की बात करूंगा 4705 रुपीज एंड 30 मंथ की बात करूंगा 6416 रुपीज देखने को मिलेगा। और कोड यूज करना है GA1111। अगर बात सारी चीजें समरी आपके सामने है देख सकते हैं ये कोर्सेज की। अगर आप बात करो AAI और ATC का, जो आपका रिक्रूटमेंट है पोस्ट है उसके लिए बैचेज स्टार्ट हो चुकी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 23% डिस्काउंट देखने को मिलेगा दोस्त, और 23% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर 12 मंथ के लिए आप इसे परचेज करना चाहते हैं दोस्त तुरंत आप लोग इसे एनरोल कर सकते हैं ओनली एंड ओनली 7700 रुपीज एंड 6 मंथ की बात करूंगा तो 4235 रुपीज एंड 3 मंथ की बात किया जाएगा तो 2310 रुपीज। ओके अब बात करूंगा इसे परचेज करने के लिए GA1111 कोड यूज करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट की बात करें अर्जुना बैच के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये G-Drive पेन ड्राइव कोर्स है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप लोगों को अवेलेबल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, करेक्ट है। अगर मैं बात करूं ये जो है मॉक टेस्ट, मेरे सारे बच्चे इस मॉक टेस्ट में ज्वाइन हो जाएंगे। अभी 2 मॉक टेस्ट हो चुका है 4 और 18, ऐसे ही सिविल वाले बच्चे लोग के लिए भी है, करेक्ट है। तो यहां बात करूंगा मैं 8, 15, 22 और 29 को फिर से मॉक टेस्ट होने वाला है और फ्री मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है दोस्त, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, तो सभी ज्वाइन हो जाएंगे। स्कॉलरशिप मिलेगा 100%, 75%, 50% और 25%। टॉप 500 स्टूडेंट को यहां पर ये जो है स्कॉलरशिप मिलने वाले। तो भैया कहा है कि चीज की देरी लग जाओ, तुरंत एनरोल हो जाइए। GA1111 कोड लगाना भूलना नहीं भाई, GA1111 कोड लगाना भूलना नहीं। चलो क्लास देखते हैं हमारे क्लास में क्या होने, क्लास क्या है, क्या बोल रहे एक टी सर सेमेस्टर अभय प्रताप सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपका टेलीग्राम ग्रुप लिंक ओपन नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है एक बार चेक। आप तो जुड़ चुके हैं क्या, वो अभी मैंने आपको शेयर किया है टेलीग्राम लिंक, उसको पिक कीजिए और जुड़ जाइए बेटा। रितेश क्या हो रहा है, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन। AKT के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करा दो सर, बिल्कुल बेटा। मेरे को एक काम करना, जो टेलीग्राम लिंक है वहां पर सारे आप क्या करेंगे, जो भी AKT के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसको आप भेजिए। देखो मैं जो सिलेबस बताया हूँ स्टार्टिंग में उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, आपको उसमें से ऐड करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, करेक्ट है बेटा। ओके आदर्श क्या सर, कर सरफेस कब होगा, होगा बेटा होगा, जब मैं इसका क्वेश्चन करा लूंगा फ्री सरफेस वर्टिकल और इंक्लाइन का, उसके बाद कर्व सरफेस होगा जो कि बहुत ही टफ है, ठीक है। आदर्श जी बोल रहे सर IIT बॉम्बे का थर्मल एंड फ्लूड साइंस कितना कट ऑफ मार्क्स जाता है, अच्छा IIT बॉम्बे के लिए, ओके ओके हम देखेंगे बताएंगे आपको, ठीक है। टेलीग्राम लिंक कभी ओपन ही नहीं होता सर, बेटा होता है यार, कैसे नहीं होता, उस टेलीग्राम लिंक में मैं खुद पिक किया हूँ तो तुरंत पहुंच गया हूँ यार, उसको देखो सर 4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ बट लिंक ओपन नहीं हो रहा है बेटा। ये जो बच्चे लोग ऐड हुए हैं, इम्प्रूव स्टडी हो गया है ना, ये अमीर जी, वो ये बच्चे लोग जो है इन लोग से कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल आप कनेक्ट हो जाए। ओके चलिए तो देखते हैं भैया आज के क्लास क्या है हमारे क्लास में, ठीक है। देखेंगे आप बात करेंगे चीजों को समझेंगे और क्लास स्टार्ट करते हैं। नौ देखिए आज मैं डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप लोग देखेंगे कि इंक्लाइन सरफेस और वर्टिकल सरफेस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास बढ़िया टाइप का, ठीक है। चलो भाई ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। आप लोग जैसे टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएंगे दोस्त तो वहां पर बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, वार्तालाप कर सकते हैं और जो लिंक दिया गया है वहीं आपको पिन करना है, करेक्ट है। चलो आपके एक सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड कीजिए और थोड़ा समझिए। चलिए
ये क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए और उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके बिल्कुल बेटा राहुल मंडल जी, डेली क्लास होता है 6:30 बजे, संडे को मे भी ऑफ रहता है। ओके चलिए भाई, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, अ सर्कुलर प्लेट 3 मीटर डायमीटर इज इमर्ज्ड इन अ वाटर इन अ सच वे दैट इज द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस आर 4 मीटर एंड 1.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके नाउ डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन द फेस वन फेस ऑफ द प्लेट एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना। अब यहां पर हमको ये समझना है कि ये जो कंडीशन दिया है इंक्लाइन का है कि वर्टिकल का है। अब कैसे समझ आएगा, जब इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे आप लोग, रूबरू होंगे इस क्वेश्चन के, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में समझ आ जाएगा कि इंक्लाइन का है कि वर्टिकल का है। ठीक है सर, आपने रिवीजन डे नहीं बनाया। हाँ बेटा रिवीजन डे, अंकित क्या बोल रहे हैं सर, चैनल में EEFM के वीडियो नहीं है क्या, एक बार चेक कर लेंगे बेटा। EEFM मतलब कि फुल फॉर्म क्या है बेटा, ये कौन सा ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, ओके चेक कर लेंगे, है ना अंकित जी, अंश जी, ये जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस है। क्लास स्टार्ट करें, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या, चलो भाई आ जाते हैं लाइन में हम लोग। अरे लाइन में आ जाते हैं, गिवन डैट, गिवन डैट क्या दिया है, क्वेश्चन को समझिए। ये सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, ये सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, ये सर्कुलर प्लेट है भैया, सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। नो सिविल ब्रांच, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं जैसे ही पता चलता है आपको बताता हूँ अंकित। ओके चलिए पहले यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, डायमीटर दिया है, सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर दिया है 3 मीटर। ओके अब क्या बोल दिया जा रहा है, इसे टोटली इमर्ज कर दिया जा रहा है आपके वाटर पर, एक वाटर है, वाटर के अंदर इस प्लेट को डाल दिया जा रहा है। चलो हम बनाते हैं फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, याद रखना बेटा ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है और यहाँ जो है वाटर भरा हुआ है, ये पूरा वाटर भरा हुआ है। इस प्लेट को डाल दिया हूं मैं, इस प्लेट को डाल दिया हूं, यहां पर जो है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज कॉल्ड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड या फिर वाटर, जो लिक्विड है वो वाटर। बात समझ आ गई, बात करते हैं, देखो उसको इमर्ज किए हैं दैट वाटर इज सच अ वे दैट इट्स अ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ, मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट होगा एक मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है, बिलो द फ्री सरफेस 4 मीटर एंड 1.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। चलो 4 मीटर और 1.5 मीटर रिस्पेक्टिवली की बात हो गई, तो यहां पर देखिए यहां से मैं 1.5 मीटर डिस्टेंस पर ये रखा एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट 4 मीटर पर, ये 4 मीटर ये सर्कुलर प्लेट है, ये सर्कुलर प्लेट है, तो यहां पर बोल दिया मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूं, तो ना इसकी बात कर देंगे ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर और ये भी है 4 मीटर और यहां पर जो है आपका प्लेट मर्ज है, आपका प्लेट जो है यहां पर स्ट्रॉन्गली मर्ज है, ये प्लेट है, ये सर्कुलर प्लेट है, ये क्या है सर्कुलर प्लेट है जो आप देख सकते हैं, ये सर्कुलर प्लेट है, ये सर्कुलर प्लेट है, ये देखो ये सर्कुलर प्लेट है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे होगा, ये देखिए ये देखिए बेटा ये देखिए ये देखो समझ आ गया, ये ग्रेटेस्ट लिस्ट है, ये क्या है बेटा लिस्ट डेप्थ है और एक ग्रेटेस्ट डेप्थ है, इसका जो है 1.5 मीटर यहां से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर है और भाई यहां से 4.4 मीटर के डिस्टेंस पर, इसका डायमीटर की वैल्यू क्या दिया है, अगर ये शेप सर्कुलर शेप में है तो यस सर ये सर्कुलर शेप में है, तो थोड़ा सा डायग्राम को विजुअलाइज करते हैं फिर आगे बात करूंगा। इसको मैं अगर साइड व्यू से देखूं, ये प्लेट को साइड व्यू से देखूं तो सर्कल फॉर्म में दिखेगा, इसके फॉर्म में दिखेगा दोस्त, ये सर्कल के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है ये सर्कल के फॉर्म में दिखेगा कुछ इस टाइप में,
कुछ इस टाइप। चलो पंडित क्या बोल रहे सर, आप पहले लेक्चर स्टार्ट किए थे तब से आपका स्टूडेंट हूँ, न्यू स्टूडेंट नहीं हो और नहीं हो रहा सकता। माय निक नेम इज अंश। यस यस मालूम है मुझे, यस मालूम है प्रशांत पांडे, बिल्कुल मालूम है बेटा। भाई कोई सर के टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता तो, क्योंकि इस लिंक तो ओपन नहीं हो रहा बेटा। फ्लूड मैकेनिक्स भाई अभिषेक गुप्ता सर लिखो, आ जाएगा ठीक है। ये देखो बेटा ये मिल गया क्या अंश, हम आपको जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। आप पहले क्लास से कंटिन्यू थे, अभी बीच में डिसकंटिन्यू हो गए थे, आपको नाम पता है हमको। चलो चलिए भाई सुनिएगा यहाँ पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है अपने को। और देखते हो और देखिए भाई, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन द वन फेस ऑफ द प्लेट एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो भैया यहाँ पास आपको निकालना है पहला फर्स्ट टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर दैट मीन्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, दैट मीन्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, ये एफ की वैल्यू निकालनी। सेकंड सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, और सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो होगा एच स्टार। बुरा मत मानो दोस्त, हम आपको जानते हैं अंश जी, है ना अंश पंडित, हम जानते हैं आपको, आप अपने हमको मैसेज किया था आपने टेलीग्राम पर, बिल्कुल। चलो ये क्वेश्चन है, समझ आ गया क्या, क्वेश्चन समझ आया क्या भाई? ये फ्री सरफेस है, यहाँ पर वाटर है, ये जो है सर्कुलर प्लेट है भाई, ये क्या है बेटा आपका सर्कुलर प्लेट है, जो ये सर्कुलर प्लेट है, ये सर्कुलर सर्कुलर प्लेट है जो वाटर में इमर्ज्ड है, जो वाटर में इमर्ज है, जिसका जिसका क्या बोला है लीस्ट और ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट डेप्थ और लीस्ट डेप्थ की बात किया गया है। तो लीस्ट डेप्थ 1.5 मीटर डिस्टेंस पर है फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात किया जाए 4 मीटर है फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। बात समझ आ गई क्या, बात समझ आ गई क्या? टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है। किसको क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसको क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा बताएंगे, किसको क्वेश्चन समझ नहीं आया? ये सर्कुलर प्लेट है, इधर से देखेंगे एक प्लेट दिखेगा और साइड व्यू से देखूंगा तो एक सर्कल का डिस्क दिखेगा, करेक्ट है? तो ये बात समझ आ गई क्या? अब मुझे एफ की वैल्यू निकालना है, एच स्टार की वैल्यू निकालना है, ठीक है? ये क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया ना? सुनिए आप, सुनिए आप क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनिए बेटा। ये जो है किसका केस हो गया, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। क्या हो गया दोस्त? जो क्वेश्चन दिया है इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है, इंक्लाइंड इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है दोस्त? इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन। बात समझ आ गई? झारखंड व्यस्त, यस यस समझ आ गया सर, ये इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इस प्लेट का सेंट्रोइडल पॉइंट क्या होता है, सी जी होता है, सी जी होता है लाइक दिस। ये मैं ले गया जी पॉइंट, ये ले लिया मैं जी पॉइंट, है ना? और ये पॉइंट होता है सी पी होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, ये पॉइंट हो जाएगा आपका पी पॉइंट, ये निकालना है बेटा। तो यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, इसका नेमिंग की बात करूंगा, आप सुनते जाना बस, सुनते जाना। दिस इज द पॉइंट नंबर ए, दिस इज द पॉइंट नंबर बी। जब इंक्लाइन प्लेन है तो थीटा की वैल्यू निकाल लो भाई, थीटा की वैल्यू निकालने में कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा ना? यहाँ पर नेमिंग करते हैं, देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या निकलती है। दिस इज कॉल्ड, हाइट की बात करेंगे दोस्त, तो हाइट हम लोग देखेंगे, यहां से देखो थीटा, ये हो गया थीटा, इस थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी, इस पॉइंट को दे देते हैं सी, इस पॉइंट को दे देते हैं सी, ओके, इस पॉइंट को दे देते हैं सी, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखो हमको ये वाला डिस्टेंस क्या पता है बेटा, ये मान लो ए बी सी है, ये फ्री सरफेस है, ए बी सी, डी ले लेते इसको, इसको ई ले लेते। हमको थीटा निकालना है दोस्त, हमको थीटा निकालना है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ये डिस्टेंस और ये तो पता है ना, 3 मीटर है ना भैया, डायमीटर ऑफ द सर्कल पता है हमको 3 मीटर है। ये डिस्टेंस क्या होगा, बी ई माइनस ऑफ ई सी, ये होगा, यस। तो देखो यहां पर मैं लगाऊंगा, मुझे ये पता है और ये पता है, ठीक है, ये 3 मीटर है और ये क्या हो जाओ 4 में 1.5 माइनस हो गया, तो ये पता और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्त, साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल की बात करूंगा, एबीसी ट्रायंगल में देखिए साइन थीटा अप्लाई कीजिए, एबीसी ट्रायंगल में देखिए साइन थीटा अप्लाई करेंगे क्या आएगा दोस्त, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब कि बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एबी, हाइपोटेनियस मतलब एबी, बीसी इज इक्वल टू क्या होगा, ईबी माइनस ऑफ ईसी, ईबी माइनस ऑफ ईसी डिवाइड बाय एबी, करेक्ट है ना, यस। ईबी की वैल्यू क्या है बेटा, 4,
और ईसी की वैल्यू इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 3। तो फटाफट बता देंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बता दो बच्चे बता दो। ये हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। बता देंगे आप लोग क्या है, अरे कैलकुलेट करके बता दो, कैलकुलेट करके बता दो, मेरे को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्त, मेरे को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या आ रहा है आपका, ये जो है 2.5 डिवाइड बाई 3 तो सॉल्व करने पर 0.833, इसको सॉल्व करने पर 0.8333 और इसको साइन इनवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्त, साइन इनवर्स, आंसर करता हूं मैं तो मुझे 56.442 डिग्री। कितने बच्चे लोग का आ गया 56.422। अरे झारखंड भाई, इम्प्रूव स्टडी 0.9 लिख रहे हो, 0.766 लिख रहे हो, यहां पर देखो ना रे भैया 56 एग्जैक्ट आंसर दिया किसने, अंश ने एग्जैक्ट आंसर दिया दोस्त, प्रशांत जी बहुत ही एग्जैक्ट आंसर दिया आप लोग 56.442 और 0.883। सिंपल, इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी यार तुम लोगों को, ऐसे गड़बड़ तो मत करो दोस्त, ऐसे गड़बड़ तो मत करो, ऐसे गड़बड़ करोगे तो कैसे चलेगा, ऐसे गड़बड़ नहीं करना है, ऐसे गड़बड़ी नहीं करना। चलिए तो पहला काम तो निकाल लिया मैं थीटा की वैल्यू, मुझे निकालना है टोटल प्रेशर। अब देखिए यहां पर हम निकालेंगे फर्स्ट टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर की बात करते हैं, टोटल प्रेशर दैट मींस एफ, एफ इज इक्वल टू, वी नो दैट हम सभी केस में रो जी ए एच बार बोलते, रो जी ए एच बार, रो जी ए एच बार कोई दिक्कत नहीं, रो जी ए एच बार क्या है, चाहे इंक्लाइन प्लेन हो, चाहे वर्टिकल प्लेन हो, चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, सभी के लिए क्या होगा रो जी ए एच बार। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, बच्चे एरिया ऑफ सर्कल पाई बाई 4 डी का स्क्वायर और डी की वैल्यू 3 दिया है, या फिर पाई आर स्क्वायर लिखो, दोनों का मतलब एक एड हो ना, पाई बाई 4, तो बच्चे घबरा जाते हैं सर ये डी का पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, घबराना नहीं है, डी इक्वल टू 2 आर पुट अप करोगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, डी की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे सबसे पहले एच बार, चलो भाई एच बार में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो बच्चा एच बार निकाल लेगा समझ लो क्वेश्चन बन गया। एच बार इज इंपॉर्टेंट, एच बार निकालना है भाई, तो देखो एच बार कैसे निकालते हैं, ये जी पॉइंट है, यहां से आपका इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ये लो भैया, ये लो, ये डिस्टेंस है, ये इसे बोलेंगे एच बार, एच बार। तो देखो यहां पास एच बार निकालना मुझे, ये डिस्टेंस तो पता है 1.5 है, लेकिन ये डिस्टेंस ही है तो ए बी सी डी ई हो गया था, एफ की बात कर लेते हैं, एफ बचा है क्या नहीं, इस पॉइंट को एफ देते हैं जी एफ, तो मैं एच स्टार को क्या, एच बार को इसमें क्या लिख सकता हूं, देखना ना एफ ई एफ जी, मैं लिखूंगा जी तो हो गया था, ओ पॉइंट देते, चलो कोई दिक्कत। अब देखो यहां से ओ जी निकालना है, दैट इज द ओ जी, याद आ रहा है ओ जी, इस ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए सभी लोग, ये जी पॉइंट से ओ पॉइंट की वैल्यू निकालनी है एच बार, ये एच बार की वैल्यू निकालनी है, फ्लूड इनकम्प्रेसिबल हो देन सर, फ्लूड इनकम्प्रेसिबल ही होगा, एक ही फ्लूड होगा यहां पास, याद रखना एक ही फ्लूड होगा, डिफरेंट फ्लूड नहीं होगा, डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, याद रखना बेटा। चलिए ओ जी निकालना है तो मैं क्या लिख रहा हूं, ओ जी इज इक्वल टू लिख सकता हूं क्या, ओ एफ प्लस एफ जी, ओ एफ प्लस एफ जी, थीटा पता है, थीटा पता है, ये डिस्टेंस कितना है, जब ये 3 मीटर है, ये जब 3 मीटर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा भैया 1.5 मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर, थीटा पता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है थीटा, साइन थीटा लगा डालो, तो एफ जी निकालना है मुझे यहां पर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिखेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर एफ जी, एफ जी अपॉन हाइपोटेनियस 1.5, मतलब कि एफ जी की वैल्यू 1.5 साइन थीटा, 1.5 साइन थीटा, ओ एफ की वैल्यू कितना मिल गया बेटा, ओ एफ इज इक्वल टू ए डी, ओ एफ इज इक्वल टू ए डी मिला और ये मिल गया 1.5, ये मिल जाएगा 1.5 साइन थीटा,
ठीक है। तो AD की वैल्यू क्या है बेटा, AD इज इक्वल टू 1.5 अगेन प्लस 1.5 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0.833। चलो भाई सॉल्व करो, H बार की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो बेटा H बार की वैल्यू निकालो क्या आ रहा है। ये समझ आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। H बार की वैल्यू बताएंगे आप लोग, H बार की वैल्यू बताएंगे क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 इनटू 0.833333 तो 2.74। वेरी गुड वेरी गुड। H बार जो मिल गया हमको, H बार जो मिल गया, H बार आ गया 2.749 मीटर फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस से इसका डिस्टेंस क्या मिला 2.749। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट। इसको सॉल्व कर देंगे, एरिया बता देंगे। यहाँ पर डेंसिटी, डेंसिटी किसका, जो फ्लूड है, फ्लूड कौन सा है, वाटर है, वाटर का डेंसिटी 1000 इंटू 9.81 इंटू 9.81 एरिया 5/4 और 3 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बेटा, एच बार हमने निकाला 2.749। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। ये क्या है, क्या लिख दिया मैं, ये जो है एच स्टार है, सॉरी एफ है, टोटल एफ है। तो सॉल्व कर देंगे भाई, इसको सॉल्व कर देंगे और बताएंगे कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय फोर देन मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 हो गया, देन मल्टीप्लाई बाय 2.749। तो सॉल्व करने पर 1909623.36, इसको हम लिखेंगे किलो में, लिखेंगे 190.623 किलो न्यूटन। कितने बच्चे का आ गया ये आंसर, कितने बच्चे का आंसर आ गया बता देंगे भाई, कितने बच्चे का ये वाला आंसर आ गया कि फोर्स जो है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स और टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हमें मिल गया 190.623। आपने क्या आंसर लिख दिया बेटा, अंश पंडित एक जीरो कम हो गया क्या, वन नाइन जीरो सिक्स टू थ्री पॉइंट समथिंग आया, एक जीरो में कहीं मिस्टेक कर दिया आप लोग। इसकी वैल्यू 1000, इसकी वैल्यू 9.81, इसकी वैल्यू 5/4 डी स्क्वायर और ये 2.749। इसको सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू ये आ रही है, एक पॉइंट इधर उधर मिस्टेक हो गया है। इंप्रूव स्टडी अंश बेटा, अंश पंडित कैलकुलेशन मिस्टेक किससे हुआ है, मेरे से हुआ है क्या, फिर से करूंगा मैं। 1000 लिखा पॉइंट इंटू 9.81 लिखा इंटू पाई बाय 4 लिखा भाई, ये पाई बाय 4 लिखा मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 लिखा मल्टीप्लाई बाय 2. समथिंग क्या था 749 था। तो अब देखता हूँ फिर से 190.623 भाई मेरा सही है, हमारा सही है, मुझसे हुआ है सर। अच्छा आपसे हुआ ना, हमसे नहीं हुआ ना, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई। ठीक है आ गया सर आपका सही है, बिल्कुल बिल्कुल ये आंसर आएगा भाई। अरे यही तो नंबर बनेगा यार कंपटीशन एग्जाम में, यही तो हमको मार्क्स देना है सामने वाले को, क्योंकि अपना कैलकुलेशन सही होगा तो अपना आंसर एग्जैक्ट आएगा। हर बच्चा का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर भी होता है तो मिस्टेक कहाँ करता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे भी होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होगी, सबसे होती है मिस्टेक, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। सेकंड जो हम निकालने वाले हैं सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है चलो। अरे तैयार है ना, एक क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे और दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे, खुश चलो। चलो भाई सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या है इंक्लाइन सरफेस के लिए बता दो, एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। ये फॉर्मूला अपने पास, ये फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूला में सारे वैल्यू पता है,
एच बार की वैल्यू हमने निकाला, आई जी निकालना है पहले। आई जी क्या होगा, सर्कल का क्या होता है बता दो, पाई बाई 64 डी रेस्ट पावर 4, तो पाई अपॉन 64 डी की वैल्यू क्या है 3 की पावर 4। इसको पहले बनाओ, इसको आई जी की वैल्यू निकाल कर बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 रेस्ट टू पावर 4, तो सॉल्व करने पर 3.9 समथिंग आया, 3.97 मीटर रेस्ट पावर 4। ये सही है क्या, ये सही है? यस सर ये सही है। अब एच स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्टार इज इक्वल टू एच बार की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 2.749 प्लस आई जी की वैल्यू 3.97 साइन स्क्वायर थीटा, तो 0.833 का होल स्क्वायर अपॉन एरिया क्या निकाले, पाई बाय फोर 3 का स्क्वायर। इसको भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा पाई बाय फोर 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 7.068 मीटर का स्क्वायर। पुट अप कर देंगे यहां पर, तो 7.068 मल्टीप्लाई बाई एच बार, एच बार कितना है, एच बार है आपका, दिस इज द एच बार, क्या होता है बेटा आपका 2.749। तो सॉल्व कर देंगे इसको, तो 2.749 प्लस 3.97 मल्टीप्लाई बाई 0.833 का होल स्क्वायर, 0.833 का होल स्क्वायर अपॉन 7.068 मल्टीप्लाई बाई 2.749। इसको करने से हमको 2.88 आया। कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हो दोस्त आप लोग, 2.88 दिख रहा है बेटा मुझे, 887 मीटर एच स्टार। एक बार फिर पुट अप करके देखूंगा मैं, गलती नहीं होना चाहिए, है ना। साइन थीटा की वैल्यू पॉइंट क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 0.8333 है, यस 0.8333। अच्छा एक बच्चे का आ गया 2.88, बिल्कुल अंश पंडित 2.8857 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है ना। कहीं गलती हो गया होगा बता दो भाई, है ना, गलती नहीं करना है। अरे बता देंगे, आंसर आंसर आ गया, बाकी लोग क्या है, इंप्रूव स्टडी क्या कर रहा है बेटा, बाकी लोग क्या है बेटा, बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो ये आंसर सही है क्या, 2.887 मीटर, 2.887 मीटर करेक्ट आंसर है क्या, बता दोगे, अरे बता दोगे 2.887 करेक्ट है क्या, नहीं आंसर सही है कि नहीं, अरे बता दो बेटा, ठीक है। तो आई होप आपने बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझा और बना लिया, ठीक है क्या। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, हर कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, आप मैकेनिक्स अच्छे से आना चाहिए। तो आपका आंसर देखो ये आया CSB2 में मई 2012 और 2015, मतलब कि क्वेश्चन आता ही है, ठीक है क्या। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलो इसका भी बना लीजिए, ये हो गया। अब देखते हैं, मैंने बोला एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार है क्या बता देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलो चलिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आया UPRVUNL एई में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है सुनो, क्वेश्चन क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एफ अफेक्टिंग ऑन द कंप्लीटली सबमर्ज प्लेन सरफेस, ठीक है। एफ जो है इसकी एक्टिंग ऑन अ कंप्लीटली सबमर्ज ऑन अ प्लेन सरफेस फर्स्ट इक्वल टू द प्रेशर एट द सेंटर
सेंट्रोइडल ऑफ सरफेस इंटू एरिया ऑफ सरफेस, लोअर देन द प्रेशर एट द सेंट्रोइडल ऑफ सरफेस इंटू एरिया ऑफ सरफेस, हायर देन द प्रेशर एट सेंट्रोइडल ऑफ सरफेस इंटू एरिया ऑफ सरफेस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया ऑफ सरफेस, विच वन इज द करेक्ट आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर, विच वन, झारखंड का भी आ गया आंसर, बहुत ही बढ़िया। मैं बोला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे बनाएंगे तो बोल देंगे। अरे लाइक वाइक भी नहीं किया यार आप लोग, तो लाइक शेयर सब करना है। चलिए भाई, अरे बता देंगे ये क्वेश्चन का आंसर एबीसीडी क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, पहले बताओ। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया आपको? झारखंड अंश इंप्रूव स्टडी बताएंगे, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया भाई? ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ये देखो, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी ए एच बार होता है, होता है कि नहीं होता? यस सर, ये होता है कि नहीं होता? यस सर, ये क्वेश्चन होता है कि नहीं होता भाई? अरे बता दो, मैंने कहा एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, ऐसा क्वेश्चन चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर बात करेंगे भाई, ये अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी। कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी में आप देखेंगे क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ तो सुनिएगा, सुनिएगा क्वेश्चन, ये बोला जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट है फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड, बना दो केस को थोड़ा समझ लेंगे। ये देखो, ये देखो भाई, ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, इसको कंप्लीटली इमर्ज कर दिए लिक्विड पर, तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है बेटा? ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो कहाँ लगता है? एफ पॉइंट कहाँ पर लगता है? ये जो है आपका वैल्यू जो होती है रो जी ए एच बार होता है, तो कंप्लीटली बात होता है तो प्रेशर इंटू एरिया होता है आपको पता है, और प्रेशर जो कहाँ लग रहा है? सेंटर पर लग रहा है, आपको पता है प्रेशर क्या है? एच बार पर लग रहा है ना, तो सेंट्रोइडल पॉइंट पर लग रहा है ना, तो इसलिए बोलते हैं प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया कहां पर लग रहा है? उस एरिया के सेंट्रोइडल पॉइंट पर लग रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर क्या होगा? इक्वल टू प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द सरफेस, सरफेस के सेंटर पर लग रहा है इंटू एरिया ऑफ सरफेस, दिस इज द ए इज द करेक्ट आंसर। सी कैसे हो जाएगा भाई? हायर देन द प्रेशर एट सेंट्रोइडल ऑफ सरफेस कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? एफ की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं डी एफ निकालता हूं तो हम बात करते हैं प्रेशर इनटू एरिया डी ए की बात करता हूं, ओवरऑल की बात करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी ए एच बार होता है, तो एच बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आपके सेंटर पर लग रहा है वो फोर्स, सेंट्रोइडल पर लग रहा है किसी भी सरफेस के, किसी भी सरफेस के सेंट्रोइडल पॉइंट पर लगेगा फोर्स, उसकी बात हो रही है, तो ए आंसर होगा ना दोस्त? अरे ए आंसर होगा ना, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट है कि नहीं? अरे करेक्ट है कि नहीं? चलो बन गई, समझ आ गया, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। चलो अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझते हैं, सुनिएगा ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप लाई इन अ वाटर इन अ सच वे दैट इन अ प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा एंगल ऑफ विद द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहां पर एंगल डाल दो 30 डिग्री, एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। Determine the total pressure force, total pressure force and position of center of pressure when the upper edge is 2 meter below the free surface of the liquid. ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एक फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड अगेन बना लो आप लोग, ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है,
क्या भाई, ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ये एंगल क्या बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है वो 30 एंगल बना रहा है। ये देखो भैया, ये 30 एंगल बना दे रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना दे रहा है। ओके, अब बात किया जा रहा है कि ये रेक्टेंगुलर है और जो 3 मीटर वाइड है और 4 मीटर डेप्थ है, 3 मीटर वाइड है 4 मीटर डेप्थ है, ठीक है, 90 डिग्री होगा सर। अरे 30 डिग्री लिख लो, 40 डिग्री लिखो, 45 लिख लो, 90 लिखो, लिख लो 90 लिखोगे तो वर्टिकल हो जाएगा और 40 लिखोगे तो इंक्लाइन रहेगा, 30 लिखो थीटा की वैल्यू कुछ हो। और मैंने ऑप्शन में दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, चलो 30 डिग्री लेके बनाएंगे। ओके, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर व्हेन द अपर एज इज 2 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो 2 मीटर बिलो की बात हो रही है, तो सुनो, यहां से अगर मैं बात करूं 2 मीटर, ये देखो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर है और प्लेट बना दो। अब प्लेट बना देता हूं मैं, ये प्लेट बना देते हैं, ये प्लेट, ये प्लेट, ये देखो ये मैंने प्लेट बना दी, ये अपर फेस ये है। अब देखिए बेटा, जो क्वेश्चन उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसका फेस की बात करते हैं तो ये है, थोड़ा और इसको बड़े कर देते हैं क्या, थोड़ा सा और बड़े कर देते, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया, चलिए। और दूसरा हो गया ये, यहां पर हमने रेक्टेंगल बना देंगे, देखिए ये मान के चलो ऐसे है, ये मान के चलिए बेटा आपको, ये मान के चलिए आपका जो डायग्राम है इस टाइप का, ठीक है, सुनिएगा समझिएगा, है ना, ये डायग्राम है, बात हो रही है 3 मीटर वाइड की, ये वाइड है 3 मीटर, ये 3 मीटर वाइड है, और डेप्थ की बात हो रही है 4 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है 0 डिग्री देन आप 30 क्यों और मैं 90 अप्लाई नहीं कर सकते डियर सर, व्हाई? मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया, तो यहां पर दिया है अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 3 मीटर वाइड विथ विड्थ है वाइड है एंड 4 मीटर डीप है, लाइन अ वाटर, लाइन अ वाटर इन अ सच ए वे, लाइन अ वाटर इन अ सच ए वे, अच्छा अच्छा अच्छा, इन सच वे इट्स प्लेन मैक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, ओके ओके, एंड डिटरमाइन द टोटल प्रेशर फोर्स एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर व्हेन द अपर एज इज 2 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या गलती किया मैंने, 90 डिग्री होगा क्या, 90 डिग्री होगा क्या, 90 डिग्री होगा क्या, क्वेश्चन चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री कर दो और लाइन को हटा दो, लाइन में वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या पहले बता दो यार, यस सर, 90 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री होगा नहीं होगा, ठीक है, हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं आपस, रेक्टेंगुलर प्लेन है 3 मीटर वाइड है 4 मीटर डीप है, इन सबमर्ज इन वाटर लिख दो, इन सबमर्ज इन वाटर लिख दो, इसको लाइन को हटा दो, सबमर्ज इन वाटर लिख दो, submerged in a water in a such a way that the plane make an angle of 30 degree with the free surface of the water, correct hai, ab sahi ho gaya, determine the total pressure force and position of center of pressure when the upper edge is 2 meter below the free surface, ab theek hai, ab theek hai, ab theek hai dost, ab theek hai, kya bata do,
अरे बता दो अंश जी, अब क्लियर? ओके अब क्लियर है सर, बिल्कुल। चलो अब समझ आ गया। अब सेंटर ऑफ प्रेशर उसकी बात करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट हो गया सी जी और ये पॉइंट हो गया सीपी। चलिए बात करते हैं, एंगल मिल गया आपको, एंगल मिल गया, तो ये 30 डिग्री हो गया, यहां से ये 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना दिया आपको 2 मीटर, ये 2 मीटर बिलो हो गया, 2 मीटर बिलो हो गया। चलिए तो पहला फिर से निकालना, मैं ऐसे निकाल देता हूं, आप लोग बताना एफ इजिक्वल टू रो जी ए एच बार। आप लोग क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, एच बार की वैल्यू बात करते हैं हम लोग। मेन तो एरिया जो है आपका, एरिया जो हो जाएगा बेटा यहां से, एरिया की वैल्यू हो जाएगी 3 × 4 हो जाएगा, ये क्लियर है। एच बार, एच बार कैसे होगा सुनना, एच बार का हम लोग बनाएंगे यहां पर, ये जो है यहां से डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस निकालना आपने, ठीक है। एंगल 30 पता है, ये क्या है 2 है, और ये प्लस कर देंगे ये वाला लेंथ, है ना, यहां पर बीसी लिख दो, ए बी लिख दो, जो भी लिखना है बीसी, ए बी सी और ये जी लिख देते हैं, ठीक है, तो सी जी लिख देंगे। तो आप सी जी निकालेंगे, थीटा पता है, ये हाफ हो जाएगा, ए बी ए जी हो जाएगा, तो इसका हाफ 2 हो जाएगा बेटा। तो मैं जो लिखूंगा वो सही है कि नहीं बता देना, ए बी सी जी डी लिख दो इसको, तो मैं लिखूंगा डी जी, दैट इज अ डी जी, और डी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी प्लस सी जी, और सी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी, और सी जी इज इक्वल टू क्या है थीटा, ये है इंक्लिनेशन एंगल, ये कितना है बेटा 2 मीटर हो जाएगा, ये भी 2 मीटर हो जाएगा, हाफ कर दो यहां से, हाफ कर दो, हाफ कर दिए तो 2 sin 30 हो जाएगा, 2 sin 30 हो जाएगा, करेक्ट है क्या? यस सर। तो सी डी की वैल्यू आपको पता है 2 मीटर, 2 + 2 sin 30, 2 sin 30 ये निकल गया। देखो हमने यहां पर एच बार भी निकाल लिए, एरिया भी निकल गया जी, और वो पता है आप लोगों को, और सेकंड क्या निकालना पूछा गया है क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है एच स्टार पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ये हो जाएगा एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ए एच बार, बच्चा आई जी, आई जी क्या हो जाएगा बी एच क्यूब बाई 12, बी एच क्यूब बाई 12, और बेस जो है बेटा आपका यहाँ पर 2 है, 2 × 4√3/12, इस पोर्शन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको बनाना है और मुझे आंसर लाके दिखाना है। सबसे पहले एच बार, सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आप यह यकीन नहीं करोगे मेरे जिंदगी में ऑफलाइन और ऑनलाइन कहीं टीचर मिले हैं, नहीं मिले। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और क्या बोला सर आपको, कितने साल बेटा, मुझे 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है, क्लियर। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को मोल्ड करने आता है, क्वेश्चन बनाने आएगा, क्वेश्चन बच्चे को डाउट कहाँ हो रहा है वो समझ आता है मुझे। मैंने इससे पहले सेम क्वेश्चन बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने ये बताया कि आपको ये करना है और आंसर लाना है, और मैं जानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जितने भी है सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर का आंसर देंगे भाई, हर लोग, हर बच्चे इसका आंसर देंगे। सबसे पहले मुझे एच बार की वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा और मैच करूंगा, ओनली मैच करूंगा, ओनली मैच करूंगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फटाफट सॉल्व करेंगे बेटा, फटाफट सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। चलिए अंश जी बोल रहे हैं आप बेहतरीन अप्रोच देते हैं, अच्छा अप्रोच जो है ना आपको बिल्टअप करना पड़ेगा। देखो मैं जो अप्रोच दे रहा हूं ना, तो मैं बच्चे को समझते हूँ कि बच्चा क्या सोच सकता है, ठीक है। चलिए भाई, तो इम्प्रूव स्टडी का आंसर आ गया 353160, एक बच्चे का आंसर आया बेटा, यहाँ पर लिखते जाऊंगा ना सबका आंसर, यहाँ पर फर्स्ट जो है इम्प्रूव स्टडी का आंसर आ गया, क्या आ गया बेटा इम्प्रूव स्टडी का आंसर आ गया एफ इज इक्वल टू 353 353 पॉइंट लिख दू क्या
160 न्यूटन। मैं एच बार की वैल्यू पहले पूछा था। अंश बेटा आपका आंसर क्या रहा है? अरे बताएंगे आपका आंसर क्या रहा है अंश जी। चलिए भाई फटाफट बताओ, अभी तो हम तो बना लेते अभी तक, अब तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देते इसको। लो 2 + 2 + 2 साइन 31/2 दैट इज 3 मीटर। कितने बच्चे लोग का आ गया? एच बार 3 मीटर। वेरी गुड वेरी गुड। अंश का आंसर आया 353.160। ठीक है 3 मीटर ही आ गया। चलो ये अब देखो हम निकालते हैं एफ इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्या है बेटा? रो की वैल्यू 1000 हो गया इंटू जी की वैल्यू 9.81 हो गया इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 × 4 = 12 हो गया इंटू एच बार क्या निकाले अपन 3 निकाल दिए। ठीक है हाँ सेम आंसर आएगा, हम ऐसे ही चेक कर लिए उसमें आंसर वही आने वाला है 353160 ही आएगा। हम ऐसे ही चेक कर लिए बेटा आंसर वही आएगा, ऐसे ही चेक कर लिए हम, देख के चेक कर लिए कि आंसर वही आएगा क्योंकि 12 × 3 = 36 हो जाएगा। ये जीरो कर दूंगा 35 समथिंग आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है 1000 × 9.81 × 12 × 3। हाँ बिल्कुल सही है, ये आ गया 353160 न्यूटन। इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा 3 इधर चल दूंगा लेफ्ट साइड चल दूंगा 160 किलो न्यूटन। अब बच्चा लेफ्ट और राइट करना है बेटा, अगर पावर में लिखना है तो हम लोग लेफ्ट जाएंगे और अगर पावर में नहीं लिखना है तो राइट चल जाएंगे। ठीक है यही फंडामेंटल है अपना। चलो ये आंसर आ गया, अब बात करते हैं हम लोग एच स्टार। सभी बच्चे एच स्टार की बात करेंगे, सभी बच्चे एच स्टार की बात करेंगे क्या आएगा एच स्टार की बात करेंगे। तो बेटा आपका इम्प्रूव स्टडी बहुत सही है, आपका भी अंत बेटा बहुत सही है। ठीक है आप निकालेंगे बेटा एच स्टार निकालेंगे क्या होगा, तो एच स्टार क्या आ रहा है बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं 2 × 16 × 4 / 12 32 / 3 और प्लस सॉल्व करेंगे फटाफट बताएंगे क्या आएगा। 10.66 आ रहा है सर, 10.66 हम सॉल्व कर देते हैं। ये एच बार की वैल्यू क्या निकाले थे बेटा आप लोग 3 निकाले हैं, आई जी की वैल्यू मैं निकाल दिया 32/3 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/1 ए की वैल्यू क्या हो गई 12 और एच बार कितना हो गया 3। सॉल्व करते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, मैं अपने हिसाब से सॉल्व करो आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है ये हो जाएगा आपका 8 बार में चल देगा और ये हो जाएगा 3 + 2/27 तो 3 समथिंग आ रहा है। इंप्रूव स्टडी 10 point something है आईजी, इतना तो नहीं आएगा, हम सॉल्व करते हैं है ना। आईजी की वैल्यू हो गई BHQ, बेस कितना है आपका बेस है 3, एच हो गया BH, 4 की पावर क्या हो जाएगा 3/12 BHQ/12। ठीक है आईजी साइन स्क्वायर मतलब कि 1/2 का होल स्क्वायर साइन 31/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अच्छा उल्टा लिखती हूँ मैं 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया करेक्ट है। एरिया कितना है 12, एच बार 3 हो गया प्लस 3, हम सही बता रहे थे यार 3.11 आ रहा है कुछ 3.11 एच स्टार की वैल्यू आ रही है 3.111 मीटर आ रहा है, बिल्कुल हमने सही बनाया है 3 + 2/30 = 27 बिल्कुल। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है आपका आंसर वैसे नहीं आ रहा है जो आपने सोचा, वो आंसर नहीं आ रहा है दोस्त, वो आंसर नहीं आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है एच इज इक्वल टू 3.11 आंसर आ रहा है, 3.07 3.11 आंसर आ रहा है। ठीक है 3.1
देखो यार सिंपल सी बात है, ये यही कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं बच्चे और कहीं नहीं करेंगे। सुनते जाना, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखो। एच की वैल्यू क्या है? 3 है। आई डी कितना, बी कितना है बेटा, बेस कितना है आपका 3 है। 3 एच की वैल्यू क्या है पर 4s पावर 3 डिवाइड बाय 12 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एरिया की बात करेंगे 3 × 4 मतलब कि 12 इंटू एच बार कितना हो गया 3 हो। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो तो 3 प्लस ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 का क्यूब हो जाएगा। और ऊपर में कुछ है क्या? बाकी सब नीचे चला गया। यस सर, बाकी सब नीचे चला गया। तो 12 × 12 × 3 × 4 तो देखो 3.11 आ रहा है। 3.111 मीटर इज द करेक्ट आंसर एच स्टार की वैल्यू। तो जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है 3.111 आ रहा है, 3.11 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स एक्ट हो रहा था, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा था, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा था भैया? यहाँ पर पी पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट हो रहा था, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम फ्री सरफेस से, इसका डिस्टेंस क्या है? 3.111 है और एफ की वैल्यू आपने निकाला। समझ आ गई बातें? एक क्वेश्चन बनेगा, मिस्टेक नहीं करेंगे दोस्त, मिस्टेक नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, सुनिएगा। चलो ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इन एन इंक्लाइन प्लेन सबमर्ज्ड इन अ वाटर, इंक्लाइन प्लेन सबमर्ज इन वाटर, द सेंटर ऑफ प्रेशर इज लोकेटेड एट द सेंट्रोइडल, बिलो द सेंट्रोइडल, अबो द सेंट्रोइडल, एनीवेयर इन अ प्लेन, क्या होगा? इस क्वेश्चन को बना लिए तो मजेदार क्वेश्चन है। ए में आए वो क्वेश्चन है बेटा, ए डबल ई में आए वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलता है। फटाफट आप बनाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इम्पुर स्टडी का बी, अंश का बी, बी बी बोल रहे हैं। चलो याद रखना, इंक्लाइन प्लेन सरफेस कौन सा है? इंक्लाइन प्लेन सरफेस, इंक्लाइन प्लेन सरफेस सेंटर ऑफ प्रेशर की बात हो रही है। द सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। चलो अगर ये होरिजेंटल होता, ये वाला साइन थीटा, देखो यहां पर देखना, थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द होरिजेंटल। और होरिजेंटल हुआ तो साइन थीटा जीरो, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच बार हो जाएगा होरिजेंटल में। थीटा इज इक्वल टू 90 वर्टिकल, वर्टिकल और वर्टिकल की बात करेंगे तो एच इज इक्वल टू एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार होगा। ये फंडामेंटल है। अब भैया यहाँ पर देखो, कुछ ना कुछ एक ही चीज है बेटा, या तो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इक्विवेलेंट होगा, उससे ज्यादा होगा, मतलब नीचे होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो हमेशा क्या होगा? बिलो द सेंट्रोइडल, बिलो द सेंट्रोइडल। जब आप मेजरमेंट करते हैं फ्री सरफेस से, ये सीजी पॉइंट होगा, तो आप सीपी पॉइंट क्या होगा? ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी दोस्त, सभी दोस्तों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फंडामेंटल चीजें क्लियर हो गई। कॉम्पिटिशन लेवल अलग होता है, कॉम्पिटिशन में हम इस टाइप का पढ़ाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन में हम लोग इस टाइप को पढ़ाएंगे कि फंडामेंटल चीजें यहीं पर पूरा क्लियर हो जाएगी, ठीक। चलो आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो भाई एक दो क्वेश्चन और बता दो सर, ऑब्जेक्टिव वाला, फिर सब्जेक्टिव करेंगे फिर से। लो एक क्वेश्चन आगे, यही क्वेश्चन है क्या? चलिए भाई ये क्वेश्चन, अ बीकर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट, द लोकेटेड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। ये क्वेश्चन देखो, द बीकर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट एच, द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सुनना कैसे बनता है। ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, यहां पर एक बीकर है, रेक्टेंगुलर बीकर हम लोग एज्यूम करेंगे, जो यहां पर पूरा वाटर फिल है,
ये देखो ये वाटर फिल है समझना, जिसकी हाइट क्या है एच है, जिसकी हाइट क्या है बेटा आपका एच है, ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है। अपने को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर का पोजीशन निकालना है। ये देखो इस पॉइंट का पोजीशन निकालना है, जो वर्टिकली सबमर्ज है ये एच स्टार की वैल्यू निकालना है अपने को, एच स्टार की वैल्यू निकालना है। ये हो गया सी जी और ये हो जाएगा सी पी, ठीक है। सी जी की बात करेंगे तो एच बाई टू हो जाएगा, ठीक है। वीर्थ को मैं क्या ले लेता हूँ, ये बीकर है तो वीर्थ को ले लेते हैं हम लोग बी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल प्लेन का पोजिशन का क्वेश्चन है, वर्टिकल प्लेन का पोजिशन का क्वेश्चन है, तो देखिएगा कैसे बनेगा। एच स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, सारे वैल्यू पूरा करो। एच बार क्या है बेटा आपका एच बाई टू, आई जी क्या है बी एच क्यूब बाई ट्वेल्व, बी एच क्यूब बाई ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या हो जाएगा बी इंटू एच, और एच बार क्या हो जाएगा एच बाई टू हो जाएगा। सॉल्व करो, ये जो है बी और बी कैंसल, एच 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 कैंसल हो गया, वन एच बचा और ये टू ऊपर चला गया, ये टू और ये सिक्स बच गया, ठीक है। तो एच बाई सिक्स, एच बाई टू प्लस एच बाई सिक्स, एलसीएम कितना आ गया सिक्स आ गया, यहाँ पर थ्री एच प्लस एच डिवाइड बाई ये फोर एच बाई सिक्स डेट इज द टू एच बाई थ्री, टू एच बाई थ्री। तो एच स्टार क्या आएगा टू एच बाई थ्री बिलो होगा, ठीक है। तो टू एच बाई थ्री देखने को मिल रहा है क्या, टू एच बाई थ्री ऑफ द टॉप। सी जितने दिया है बहुत ही सही दिया, आंसर सी होगा। और कैसे समझते हैं देखो, और समझना, हम समझते कैसे देखना, ये फ्री सरफेस है, ये बकेट है ना, ये बकेट है, ये सेंट्रोइडल पॉइंट है एच बाई टू, इससे बिलो होगा, इससे बिलो होगा। तो देखिए बेटा एच बाई टू से बिलो होगा बोल रहा हूं मैं, तो एच बाई टू तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। और एक हो सकता है कि एच बाई थ्री, एच बाई थ्री अगर मैं निकालू तो पॉइंट थ्री थ्री होता है ये, तो और पॉइंट फाइव से भी कम हो जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। बचा ये टू एच बाई थ्री और थ्री एच बाई फोर, टू एच बाई थ्री और थ्री एच बाई फोर में दिक्कत होगा, तो आपको दोनों में से एक तो चॉइस करना पड़ेगा, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देंगे आप लोग के एग्जाम में, बिल्कुल बना सकते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, समझ आ गया ना भाई, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। चलो ये हो गया था, ये हो गया था, ये क्वेश्चन करते हैं ट्रायंगुलर। ये देखिए ट्रायंगुलर वाला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा आराम से। अ ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ वन मीटर बेस एंड 1.5 मीटर एल्टीट्यूड हाइट, ओके, इज इमर्ज इन अ वाटर, द प्लेन ऑफ द प्लेट इज इंक्लाइंड एट विद द फ्री सरफेस एंड द बेस इज पैरेलल टू एंड एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर फ्रॉम वाटर सरफेस, फाइंड द टोटल प्रेशर ऑन द प्लेट एंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। वाटर डाउन हाइट है होगा, चलो यहां देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन समझते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, हम सबसे पहले फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बना लेते हैं। यस सर, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बना, आपको समझ आ गया ये ट्रायंगुलर बेस है, जिसका बेस जो है प्लेट है 1 मीटर बेस होगा, उसका बेस क्या है 1 मीटर होगा। मैं ट्रायंगल बना देता हूँ पहले, तो यह ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल बना देता हूँ, ट्रायंगल कैसे भी हो सकता है ना, ये 1 मीटर बेस है, इसका बेस 1 मीटर है, एल्टीट्यूड बोले तो ये होता है, एल्टीट्यूड कितना दिया 1.5 मीटर, ठीक है। एल्टीट्यूड इज इमर्ज इन वाटर, द प्लेन ऑफ द प्लेट इज इंक्लाइंड एट विद फ्री वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस से इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन एक हम बना लेते हैं, सपोज ये इंक्लाइन बना दिए, ये इंक्लाइन बना दिए, ठीक है। बैक क्वेश्चन था सर, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। विद द फ्री सरफेस एंड द बेस इज पैरेलल टू एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर,
टू मीटर डेप्थ, कहां से? यहां से टू मीटर डेप्थ, इसके पैलर आपके जो बेस होगा इसके पैलर होगा। मतलब ये जो अगर मैं बात कर दूं आपसे, ये वाली बात कर दूं, ये अगर मैं बात कर दूं तो सुनना, सुनना क्या होगा, ये बेस ऐसे हो जाएगा क्या दोस्त? ये बेस जो होगा इस टाइप का हो जाएगा, ये बेस जो होगा इस टाइप का होगा, ये देखो ये हो गया। चलो ये बेस है, ये बेस है, ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। और भैया ये जो है हेड, एपेक्स की बात करेंगे, ये 1.5 मीटर, ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, ओके। चलो वो 2 मीटर है, यहां से इसका डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर, 2 मीटर। फाइंड द टोटल प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया था। अब फिर अगेन इंक्लाइन का केस हो गया, ये थीटा हो गया, फिर थीटा की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलो तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग को। ये देखिए ये, और ये क्या है? 1 मीटर है ना, ये थीटा है, ये बेस है, ये टोटल है 1 मीटर है। और आपकी बात करें सेकंड फेज तो दिया नहीं क्या? थीटा की वैल्यू कुछ दिया होगा यार, पंडित जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, यहाँ पर दिया है ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ 1 मीटर बेस एंड 1.5 मीटर एल्टीट्यूड, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मेरे को भी क्लियर हो गया, आपको भी क्लियर। इमर्ज इन वाटर, ये भी है, हम लोग इमर्ज कर देंगे वाटर को। द प्लेन ऑफ द प्लेट इज इंक्लाइंड एट एंगल होगा, यहाँ पास कुछ ना कुछ एंगल होगा, इसको लिख लो 45 डिग्री लिख लो। चलो छोड़ो उसको, इसको आप लोग एंगल चेंज कर देंगे, 45 डिग्री कर दो, इसको एंगल देखो 45 डिग्री कर दो। चलो अब ठीक है, 45 डिग्री विद द फ्री वाटर सरफेस, विद द फ्री वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस से 45 डिग्री बन रहा है। एंड द बेस इज पैलर, बेस क्या है? इसके पैलर में है, इसका बेस पैलर कर दिया हूं 2, एंड एट द डेप्थ ऑफ 2 मीटर, कहां से? यहां से डेप्थ में 2 मीटर डेप्थ में इसका पैलर जो होगा, बेस होगा, इस इंक्लाइन प्लेन के साथ होगा फ्रॉम द वाटर सरफेस, ओके। फाइंड द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, एक क्वेश्चन मतलब एक डिग्री मिसिंग था, इसलिए हमको समझ नहीं आ रहा था, उस एंगल को 45 कर दिए। अब समझ आया क्या? अब क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या दोस्त? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, अब 45 करने से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो, क्योंकि यहां पर थीटा की वैल्यू गायब हो गई थी, थीटा की वैल्यू गायब हो गई थी, ठीक है। चलो अब तो समझ आ गया, अब समझ आ गया हमको, हाँ आ गया समझ, बिल्कुल बिल्कुल ओके सर। 45 में मजा नहीं आएगा, 30, 60, 90 करोगे तो वर्टिकल प्लेन हो जाएगा पहली बार, तो 30, 60 में से कुछ कर लेते, तो 60 कर लेते, 60 कर ले क्या? चलो 60 कर लेते, आप बोल रहे हैं तो हम इसको एंगल को 60 कर लेते हैं, 30 वाला हो गया था, 60 कर लेते, चलो इसको हम 60 ले लेते, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। चलिए भाई अब सेंटर ऑफ प्रेशर और उसकी वैल्यू निकालना है, चलो जाइए भैया फटाफट। पहला फॉर्मूला क्या बनता है? फर्स्ट एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो 1/2 बेस इनटू हाइट हो जाएगा, बेस कितना है 1/2, बेस कितना बेटा आपका 1 है, हाइट कितना है 1.5 है, करेक्ट है, ये निकल जाएगा। एच बार निकालना ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो एच बार क्या होगा 2, और ये एंगल 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो हमको एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है यहाँ पास। सुनना, ये ट्रायंगल मुझे कैसे निकालना है, देख यहां से मुझे हाइट निकालना है, ये वैल्यू निकालना है एच बार, यहां पर आपको ट्रायंगल बनने को मिल रहा है यहाँ पास लाइक दिस, ये समझते जाना मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ये एंगल 60 बता दिया हूँ, ये एंगल 60 बता दिया हूँ, ये कितना बेटा आपका 1.5 हो जाएगा। तो भैया ये वर्टिकल एक्सिस क्या हो जाएगा? सुनना, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये हो जाएगा 0.5 sin 60, 0.5 sin 60, अब दोनों को ऐड कर दो तो ये एच बार निकल जाएगा, तो 2 + 0.5 sin 60, करेक्ट है, यस सर। ये एच बार हो गया, एरिया पता चल गया, रो पता है, जी पता है, फटाक से निकालिए।
इसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर का भी हम लोग कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। बताते आई जी क्या हो जाएगा बेटा, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 36। याद रखना बेस क्या है 1 है, हाइट क्या 1.5 है, क्यूब अपॉन 36। फटाफट सॉल्व कर दो सारे वैल्यू आपके सामने। सबसे पहले मुझे एच बार वैल्यू बताएंगे, एच बार की वैल्यू बताओ। ये एच बार की वैल्यू सबको बताना सेम आना चाहिए। उसके बाद मुझे क्या बताएंगे आप लोग, एफ की वैल्यू बताएंगे। एच बार पहले निकालेंगे फिर एफ की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। एक बच्चे का आंसर 2.4333 आ सकता है। एच बार का आंसर आ गया, एच बार बच्चे का आंसर आया है, मैं लिख देता हूं यहां पर 2.4333 ये अंश पंडित का आंसर गलत है भाई। गलत इसलिए है क्योंकि ये तो 2 है ही, उसके बाद ऐड हुआ ना, वो उसके बाद ऐड हुआ ना, तो अंश का आंसर गलत होगा, ठीक है बेटा। हम भी सॉल्व कर देते हैं आप लोग का, एच बार की वैल्यू निकालता हूं मैं भी, हो जाएगा 2 + 0.5 sin 60। 2.433 इज द करेक्ट आंसर, 2.433 इज द करेक्ट आंसर, 2.433 मीटर इज द करेक्ट आंसर एच बार का। ये हो गया आपका एच स्टार। फिर उसके बाद बात करेंगे एफ की, बात करेंगे एफ इज इक्वल टू क्या होगा, मैं लिखता हूं अच्छा एरिया क्या हो जाएगा 1/2 1.5 / 2.75 एरिया हो गया, ठीक है। इम्प्रूव स्टडी जल्दी जल्दी में टाइप हो गया, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर एफ की वैल्यू आ रही है बेटा आप लोग की 17900.79 न्यूटन। तो कहने का मतलब 17.9 किलो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चे का आ रहा है, कितने बच्चे का आ रहा है, आ गया 179 आ गया 179, ठीक है ठीक 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 179.79। फिर गलती कर दी हो आप, एक 17.9 आएगा ना दोस्त, अंश पंडित किलो न्यूटन में कैसे आ जाएगा, हम 1000 लिखे मल्टीप्लाई बाय 9.1 लिखे, फिर उसके बाद मैंने क्या एरिया की बात किया तो 1.5 डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, 1.5 डिवाइड बाय 2 कर दिया एरिया हो गया, फिर एच बार की वैल्यू 2.433 कर दिया तो मुझे 17.9 किलो न्यूटन आया, 17.9 अब ठीक है 17.9 किलो न्यूटन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब बात करेंगे एच स्टार की, बात करेंगे पहले आप इसकी वैल्यू निकाल दो, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1.5 की पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 36, यही होता है ना सेंट्रल के अबाउट, तो 0.09375 अब बन जाएगा। एच बार 2.433 प्लस आई जी प्लस साइंस को थीटा मतलब साइंस 60 का स्क्वायर, डिवाइड बाय एरिया कितना निकाला हूं मैं, कितना आ रहा है एच स्टार 2.7415 मीटर फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। देख लीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है आंसर, आप अरे बता दो भाई एच स्टार की वैल्यू आया नहीं आया आप,
2.47 आया मेरा, 2.73 आ गया, 2.4 समथिंग आएगा, 2.4 समथिंग आएगा, 2.4 ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, अरे बन जाएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आध अच्छा वाला होगा देख लेता हूं मैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। चलो छोड़ दिया, ये भी हो गया, क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं दोस्त। कल की क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बन जाएगा सर, कल की क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। क्लास कैसी रहेगी सभी लोग कमेंट कर देंगे दोस्त, और नेक्स्ट क्लास में बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, गेट लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, आईएएस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, उस लेवल का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले, करेक्ट है। तो बने रहिए बेटा, बने रहिए मुझसे, और बिल्कुल टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं उसी एनर्जी के साथ, आप भी बैठिएगा मैं भी बैठूंगा। कल इस साल का लास्ट डेट कल है 31 दिसंबर, हमारा जो है इस चैप्टर का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसका क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बढ़िया टाइप का, ठीक है, फिर उसके बाद न्यू ईयर में बात करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही एनर्जी के साथ, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।